हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट असी डिस्कस किया है लिबनिट्स रूल वेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नॉट डिपेंड अपॉन पैरामीटर। अगर साड़िया लिमिट्स इंटीग्रेशन दिया पैरामीटर ते डिपेंड नहीं कर दिया उदो असी डिफरेंशिएट किया है अंडर इंटीग्रल साइन। अज असी करांगे जदों साड़िया जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वह पैरामीटर का फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल दे विच देखो क्या है, साडे कोल जो इस फंक्शन दे विच पैरामीटर कौन आ रहा, बिकॉज इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू थीटा कर रहे हैं, थीटा तो इलावा जो भी आ रहा वो साडा की आएगा पैरामीटर। यस, इहदे विच अल्फा क्या है पैरामीटर। और अगर तुसी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चैक करो वह भी किहदे विच गिवन है, अल्फा दे विच, मतलब पैरामीटर दा फंक्शन बन रही है। अगर साडे कोल इस तरह का केस आवे, इस केस असीं लिबनिट्स रूल देखो किद्दां लगाउंदे हां, मतलब इंटीग्रल दे अंदर डिफरेंशिएशन किद्दां करनी है, डी बाई डी अल्फा फाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू। देखो अगर साड़िया लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन नहीं होंदिया पैरामीटर दियां, दैन ओनली यही आंदा ए टू बी असी एज इट इज इंटीग्रल दे अंदर डिफरेंशिएट कर दिंदे विद रिस्पैक्ट टू पैरामीटर। बट हुण साडा जिहड़ा लिमिट्स है वह फंक्शन बन रही पैरामीटर दियां, सो दो एडिशनल होर टर्म्स आनगियां। एक तो आएगी इंटीग्रल ए टू बी करली बाय करली अल्फा एफ एक्स अल्फा डी एक्स, प्लस सैकेंड क्या आएगी तुसी डेरीवेटिव करना है अपर लिमिट का विद रिस्पैक्ट टू पैरामीटर डी बी अपॉन डी अल्फा एफ एक्स की जगह तुसी फंक्शन दे विच बी फिल कर देना एफ बी अल्फा माइनस, फिर तुसी करना है लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू पैरामीटर, फिर तुसी एक्स की जगह ते फंक्शन दे विच फिल कर देना है एफ ए अल्फा। सो लिबनिट्स रूल है साडा जो साडियां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड कर रही हैं पैरामीटर से, सो ए वाला रूल तुसी याद रखना है। यस, एक क्वेश्चन कर दे उहदे नाल क्लीयर होएगा तुहानू। यस, फर्स्ट है प्रूव दैट इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉसिकेंट थीटा डी थीटा का आंसर प्रूव करना है पाई बाय टू वन माइनस कॉस अल्फा। यस, पहला तो असं रेकोगनाइज करना होंगे कि साढ़े ये पैरामीटर क्या है। यस, ये पैरामीटर कौन है, अल्फा। हेयर अल्फा इज पैरामीटर। तुसी अपने क्वेश्चन नूं फाई अल्फा लिख लो। यस, फाई अल्फा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंट थीटा डी थीटा। ठीक है, इनू नंबर वन कर लिया। हुण क्या करना है, असी डिफरेंशिएट, देखो साडे स्टैप्स जो असी पहले वाले क्वेश्चंस च लगा रहे सी सेम उही स्टैप्स लगाने। पहला असी विद रिस्पैक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करना, दैन तुसी इंटीग्रल थीटा विद रिस्पैक्ट टू करके बाद अल्फा ना डिफरेंशिएट किया सी, दैन अल्फा ना ही इंटीग्रेशन भी करूँगे। सो फर्स्ट साडा स्टैप असी डिफरेंशिएट करनी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पैक्ट टू अल्फा यूजिंग लिबनिट्स रूल वी गैट। यस, लिबनिट्स रूल के अकॉर्डिंग करो, इधर आ जाएगा साडा डी अपॉन डी अल्फा फाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी अल्फा इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंट थीटा डी थीटा। यस, हूँ असी देखो डेरीवेटिव नू इंटीग्रल साइन दे अंदर लेके जाना। सो तुसी पहला लिमिट्स चेक करनी होंगी, अगर तो लिमिट्स कॉन्सटेंट होन पैरामीटर ते डिपेंड ना कर रही होन फिर तो असी एज इट इज़ इनू अंदर लेके जा सकते हैं करली बाय करली अल्फा। बट हुण साडियां लिमिट्स डिपेंड कर रही पैरामीटर ते, सो असी इंटीग्रल इस रूल दे अकॉर्डिंग करना। सो फर्स्ट आएगा इंटीग एज इट इज़ चला जाएगा अंदर, प्लस दो टर्म्स होर आनगियां। या साडा ये रूल लिबनिट्स रूल अप्लाई करो, क्या आएगा इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू करली अपॉन करली अल्फा साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंट थीटा डी थीटा प्लस डी बी अपॉन डी अल्फा। इतने साड़ी अपर लिमिट कौन है, पाई बाय टू। सो इतने असी करांगे डी बी, बी है साढ़े कोल पाई बाय टू, फिर तुसी क्या करना एफ बी अल्फा, साडे कोल है ना रूल दे विच एफ बी अल्फा, मतलब जो साडा फंक्शन है उहदे विच एक्स की प्लेस से असी बी फिल कर देना। हाँ जी, साडे कोल फंक्शन की वैल्यू ए वाली है, सो साडे कोल फंक्शन है एफ बी अल्फा मतलब एक्स अल्फा,
एफ एक्स अल्फा साढ़े कोल है साइन थीटा कॉस इनवर्स एक्स सॉरी थीटा इतने साढ़े कोल थीटा क्वेश्चन दे विच एक्स की जगह ते साढ़े कोल थीटा है थीटा अल्फा साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कोसीकेंट थीटा यस तुसी क्या करना है इस फंक्शन दे विच थीटा की प्लेस से अपर लिमिट फिल कर देनी है सो असी थीटा की जगह पर पाई बाय टू फिल करांगे सो साढ़े कोल क्या बनेगा साइन पाई बाय टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कोसीकेंट पाई बाय टू ठीक है माइनस नैक्सट है साढ़े कोल असी माइनस करांगे डी अपॉन डी अल्फा लोअर लिमिट है पाई बाय टू माइनस अल्फा इंटू तुसी फंक्शन दे विच लोअर लिमिट जिथे तुसी पहला अपर लिमिट फिल की हूँ लोअर साइन पाई बाय टू माइनस अल्फा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कोसेकेंट पाई बाय टू माइनस अल्फा सो ये साडा लिबनिट्स रूल अप्लाई हो गया नेक्स्ट बस इन हम असी सॉल्व भी करना है यस डी बाय डी अल्फा फाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू यस इन तुसी सॉल्व करो क्या आ जाएगा इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू यस तुसी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट कर रहे हो तुसी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू अल्फा सो अगर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करना थीटा का कॉन्सटेंट आ जाएगा थीटा आ जाएगा बार यस तुसी डेरिवेटिव करोगे बिकॉज कॉस इनवर्स दे एंगल च पिया है अल्फा सो कॉस इनवर्स का क्या आएगा डेरीवेटिव माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर सो ये सारा एक्स स्केयर है कॉस इनवर्स का सारा एंगल है ना सो ये आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा कोसेकेंट स्केयर थीटा इंटू फिर असी करली बाय करली अल्फा करांगे एंगल का एंगल है कॉस अल्फा इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस यस डी बाय डी अल्फा पाई बाय टू बिकॉज पाई बाय टू कॉन्सटेंट अगर असी इहदा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करांगे साडा आंसर क्या आ जाएगा जीरो इहदे नाल सारी दी सारी टर्म क्या हो जाएगी जीरो सो ये टर्म हो गई जीरो माइनस नैक्सट है यस इहदा करो पाई बाय टू का डेरीवेटिव जीरो अल्फा का डेरीवेटिव माइनस वन सो माइनस माइनस बन गया प्लस वन साइन पाई बाय टू माइनस अल्फा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस कोसीकेंट आएगा इतने कोसीकेंट पाई बाय टू माइनस अल्फा साढ़े को होता है सीकेंट अल्फा सो इन सॉल्व करके साढ़े को चीज बन जाएगी विच इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू साइन थीटा इंटू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्केयर अल्फा कोसेकेंट स्केयर थीटा यस हूँ देखो कोसेकेंट थीटा का कॉन्सटेंट एज इट इज करली बाय करली अल्फा कॉस अल्फा क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का डेरीवेटिव माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा बिकॉज सीकेंट होंदा है वन बाय कॉस सो कॉस अल्फा इंटू वन बाय कॉस अल्फा कैंसल होके कि आ जाएगा वन सो इतने आ जाएगा साढ़े कोस इनवर्स वन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू साइन थीटा को सीकेंट थीटा कैंसल बिकॉज को सीकेंट होंदा है वन बाय साइन साइन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा देखो हम विद रिस्पेक्ट टू इतने डी थीटा भी आ जाएगा नाल बिकॉज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा अल्फा थीटा लिए क्या है कॉन्सटेंट सो असी इन बाहर लिख लिया साइन अल्फा इंटीग्रेशन तो बाहर साढ़े को बचिया क्या डी थीटा अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्केयर अल्फा कोसेकेंट स्केयर थीटा प्लस कॉस अल्फा यस कॉस इनवर्स जीरो सॉरी कॉस इनवर्स वन क्या होंदा है जीरो देयरफॉर साडे कोल क्या आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू
यस इनू सॉल्व करो, डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा को सीकेंड नू लिख सकते 1 बाय साइन स्केयर थीटा, सो ये टर्म तो साडे कोल जीरो हो गई, देयर फॉर साडे कोल आया डी अपॉन डी अल्फा फाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू पाए बाय टू माइनस अल्फा टू पाए बाय टू डी थीटा। देखो ये एलसीएम लो क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा अपॉन साइन स्केयर थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू पाए बाय टू टू, यस साइन स्केयर थीटा अंडर रूट कैंसिल होके न्यूमिनेटर से चला जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा डी थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू यस साइन थीटा अपॉन, देखो मैं साइन स्केयर थीटा नू फिल कर दिता वन माइनस कॉस स्केयर थीटा फॉर्मूला यूज किया माइनस कॉस स्केयर अल्फा डी थीटा। यस नेक्स्ट करो सॉल्व, डी बाय डी अल्फा फाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू साइन थीटा अपॉन, यस मैं वन माइनस कॉस स्केयर अल्फा नू एक ब्रैकेट लिख लिया माइनस कॉस स्केयर थीटा अलग कर देता, सो ये बन जाएगा साइन अल्फा पाई बाय टू माइनस अल्फा टू पाई बाय टू साइन थीटा, वन माइनस कॉस स्केयर अल्फा इज साइन स्केयर अल्फा माइनस कॉस स्केयर थीटा स्केयर रूट डी थीटा। यस हूँ असं यदि इंटीग्रेशन सॉल्व करें विद रिस्पैक्ट टू थीटा, हूँ देखो साढ़े ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस का डेरीवेटिव साइन उपर पिया है, सो असी क्या करेंगे इस केस पुट कर देंगे कॉस थीटा नू यू, दिस इंप्लाइज माइनस साइन थीटा डी थीटा विच इज इक्वल्स टू डी यू, लिमिट्स भी चेंज हो गई वैन थीटा हैज पाई बाय टू माइनस अल्फा देन यू क्या आएगा कॉस पाए बाय टू माइनस अल्फा, कॉस पाए बाय टू माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, सो साड़ी यू की लिमिट आएगी साइन अल्फा, सिमिलरली वैन थीटा इज पाई बाय टू यू आएगा कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू इज जीरो, देयरफॉर साढ़े को आ जाएगा डी बाय डी अल्फा फाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, यस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स साइन अल्फा टू जीरो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का आंसर आ रहा है माइनस डी यू अपॉन साइन स्केयर अल्फा माइनस यू स्केयर, सो ये बन जाएगा साढ़े को साइन अल्फा इंटू माइनस वन में बाहर निकालता, यस साढ़े को देखो ये फॉर्मूला की बन रहा है साइन अल्फा टू जीरो डी यू अपॉन साइन अल्फा का स्केयर, देखो यू वेरीएबल है यू दे लिए अल्फा कॉन्सटेंट है, देखो साढ़े को किस तरह की फॉर्म बन रही ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इंटीग्रेशन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का साढ़े को फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस वन इंटू ए फॉर्मूला होंगे है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कौन है यू अपॉन ए कौन है साइन अल्फा, सो साढ़े को फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट्स फ्रॉम साइन अल्फा टू जीरो विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू माइनस वन साइन इनवर्स यू अपॉन साइन जीरो अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन इनवर्स साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये साढ़े को वैल्यू आई डी अल्फा फाई अल्फा which is equals to minus sin alpha, yes sin inverse 0 is 0, minus sin inverse a बन जाएगा 1, sin inverse 1 is pi by 2, so answer becomes pi by 2 sin alpha, a answer आया d upon d alpha phi alpha ले, next हम असी क्या find out करना है, हम असी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू अल्फा कर चुके हैं, फिर जो वेरीएबल से उधर नाल इंटीग्रेशन कर ली, हूँ असी इधर इफेक्ट कैंसल करना अल्फा दा, सो असी क्या करांगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू अल्फा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू अल्फा, यस असी इंटीग्रेशन बोथ साइड करांगे,
सो ये आ जाएगा फाई अल्फा और पाई बाय टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रल साइन अल्फा डी अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. पाई बाय टू साइन अल्फा द इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा प्लस सी. सो फाई अल्फा द आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय टू इंटू कॉस अल्फा प्लस सी. इक्वेशन नंबर टू. हूँ नेक्स्ट असी फाइंड आउट करना है कॉन्सटेंट. बस एक ही काम रह गया कॉन्सटेंट फाइंड करना. हम देखो कॉन्सटेंट में तुम्हें बहुत सारिया गलत पिछले भी दस चुकी हैं कि अल्फा से खुद चूज करना होंगे. सो असं इतने पुट कर रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू जीरो इन टू. यस जीरो फिल करो. फाइव जीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय टू कॉस जीरो प्लस सी. सो फाइव जीरो आ गया साढ़े को माइनस फाइव बाय टू प्लस सी. बट ये सू अगर फाइव जीरो की वैल्यू पता लग जाए दैन असी सी फाइंड कर सकते हैं. सो फाइव जीरो कितों आएगा जो असी स्टार्टिंग से फंक्शन लैट किया. यस इक्वेशन फर्स्ट असी फाइव अल्फा लैट किया. इसी इक्वेशन दे विच अल्फा नू अगर जीरो फिल कर देंगे साढ़े को फाइव जीरो आ जाएगा. सो पुट अल्फा इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट. यस असी फर्स्ट इक्वेशन दे विच जो फिल करना है फाइव जीरो विच इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस जीरो. देखो लिमिट्स भी पुट होना जिथे जिथे अल्फा आ रहा उथे तुसी जीरो फिल करना है. पाई बाय टू माइनस जीरो साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस जीरो इंटू कोसिकेंट थीटा डी थीटा विच इज इक्वल्स टू पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन थीटा कॉस इनवर्स कोसिकेंट थीटा डी थीटा. हम देखो साड़िया लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अपर और लोअर लिमिट सेम हो गई. अगर साड़िया अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए दैन इंटीग्रल का आंसर क्या आता है जीरो. सो साढ़े को फाइव जीरो आ गया जीरो. पुट कर दो थ्री पुट इन थ्री. देयरफॉर फाइव जीरो है जीरो माइनस पाई बाय टू प्लस सी. दिस इंप्लाई सी की वैल्यू आ गई पाई बाय टू. सो सी की वैल्यू आप इक्वेशन टू च अगर फिल कर देंगे साडा आंसर आ जाएगा. देयरफॉर पुट इन टू फाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू कॉस अल्फा प्लस पाई बाय टू. सो आंसर बिकम्स पाई बाय टू कॉमन वन माइनस कॉस अल्फा. सो यही असी प्रूव करना सी जो इंटीग्रेशन फाई अल्फा सी किनू सपोज किया सी जो साडा गिवन क्वेश्चन सी. सो इंटीग्रल बिकम्स पाई बाय टू वन माइनस कॉस अल्फा. थैंक यू.